हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं ये होंडाई की i20 है, 2013 का मॉडल है। गाड़ी अभी हमने चालू रखा है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पर आज हम जानेंगे इसका कंट्रोल पैनल में फॉल्ट क्या हो रहा है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने जैसे ब्लोर चालू किया, ब्लोर का स्विच ऑन हो रहा है। आप देख पा रहे हैं, आपको आवाज़ भी आता होगा ब्लोर की। 1, 2, 3 पे 4 तक ब्लोर प्रॉपर चल रहा है, लेकिन जब हम एसी चालू करते हैं ना, तो एसी का बटन लाइट जो है ना ग्लो कर रहा है, ना ही कंप्रेसर ऑन हो रहा है, कूलिंग भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। ना आउटसाइड एयर का बटन दबाते हैं तो ना इसमें भी लाइट आ रहा है, जबकि दोनों सॉकेट मेरी लगी हुई है, सिर्फ ब्लोर ऑन हो रहा है। ये तो केबल वाला सिस्टम है, तो ये तो इसका इससे कोई संबंध है ही नहीं। एसी चालू करता हूँ तो भी चालू नहीं हो रहा है, ब्लोर ये आउटसाइड एयर चालू कर रहा हूँ तो भी नहीं चालू हो रहा है। तो अब इसमें कंट्रोल पैनल को मैंने खोल के देखा तो कंट्रोल पैनल में कुछ भी फॉल्ट नहीं दिख रहा है, तो इस वजह से हम कंफर्मेशन करने के लिए दूसरी कंट्रोल पैनल इसमें डालेंगे, या फिर ये कंट्रोल पैनल को दूसरी गाड़ी में हम डाल के देखेंगे कि बराबर चल रहा है क्या नहीं। तो चलो फिर मैं सेम मॉडल की गाड़ी में जाता हूँ और डालता हूँ इसको, फिर आपको लाइव दिखाता हूँ। तो चलो फिर हम डालने के लिए जा रहे हैं। वीडियो में अगर आप नए हो, पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखें, फिर समझ में आएगा। और मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। तो दोस्तों, मैं दूसरी गाड़ी में आपको लेके आ चुका हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये भी i20 है, ये BC मॉडल है और इसका इग्निशन ऑन रखा हूँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और ब्लोर की स्पीड देखिए आप, आवाज़ आ रहा है आपको ब्लोर की, ब्लोर प्रॉपर चल रहा है। और एसी का जो लाइट ग्लो कर रहा है, देख रहे हैं आप, ग्लो कर रहा है, इसमें ऑन ऑफ हो रहा है। और ये आउटसाइड एयर भी चल रहा है, लेकिन बट ये वाली कंट्रोल पैनल में जो है आपको दिखा रहा हूँ, इसमें लाइट ग्लो नहीं कर रहा था। तो हम इसका कंट्रोल पैनल, ये वाली कंट्रोल पैनल इसमें डाल के देखेंगे कि बराबर चल रहा है या नहीं चल रहा है, कंट्रोल पैनल में फॉल्ट है या फिर वायरिंग में फॉल्ट है। तो चलो फिर मैं इसको खोलता हूँ, खोल के फिर आपको आगे दिखाता हूँ। बाकी सब बराबर चल रहा है ये वाली कंट्रोल पैनल में, कंट्रोल पैनल मैं आपको चालू करके दिखा दिया हूँ। तो चलो फिर हम इसको खोलते हैं, खोलने के बाद फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने ये पूरा खोल दिया है। इसको खोलने के लिए सबसे पहले आपको ग्लो बॉक्स खोलना पड़ेगा। ये जो देख रहे हैं ना, ग्लो बॉक्स में 5 स्क्रू ऊपर रहेगा ये साइड, और 2 10 नंबर रहेगा जो कि यहाँ और यहाँ रहेगा, और साइड में रहेगा 1 10 नंबर, 2 स्क्रू रहेगा। वो खोलने के बाद इसकी दोनों जो केबल है ना, वो निकालना पड़ेगा आपको। तो मैं केबल निकाल दिया हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, केबल निकाल दिया हूँ। अब मेरा ये इजिली बाहर आ जाएगा, और ये दोनों सॉकेट निकालना पड़ेगा मेरे को, ये वाली, ये दोनों सॉकेट निकालना पड़ेगा। तो ये दोनों सॉकेट निकाल के फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं दोनों सॉकेट निकाल दिया हूँ और इसको बाहर ले लेता हूँ, इसको नीचे होल्ड कर देता हूँ। और ये वाली कंट्रोल पैनल, ये वाली कंट्रोल पैनल मैं इसमें लगाता हूँ, फिर इग्निशन ऑन करूंगा, फिर ये लगा देता हूँ, फिर आपको आगे दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं कंट्रोल पैनल लगा दिया हूँ, ये वाली जो वो गाड़ी का मैंने खोला था, ये लगा दिया हूँ इसमें। और अब हम इसको इग्निशन ऑन करते हैं। जैसा कि देख पा रहे, इग्निशन ऑन हो गया, लोड 4 पे डायरेक्ट चल रहा है, तो 1 पे भी चल रहा है, 2 पे भी चल रहा है, 3 पे भी चल रहा है, 4 पे भी चल रहा है। अब एसी का बटन ऑन कर रहा हूँ, देखो इसमें भी लाइट नहीं आ रही है। आउटसाइड का एयर चालू कर रहा हूँ, इसमें नहीं चल रहा है। तो इससे प्रॉब्लम, इससे मालूम ये होता है कि ये कंट्रोल पैनल में फॉल्ट है, इसकी वजह से। ये भी चालू करता हूँ तो नहीं चल रहा है, ये भी नहीं चल रहा है, जैसा कि मैंने आपको लाइव दिखाया है। ये वाला कंट्रोल पैनल इसमें बराबर चल रहा था, लेकिन बट ये वाली कंट्रोल पैनल जो है इसमें नहीं चल रहा है। तो इस वजह से हमको कंट्रोल पैनल रिप्लेस करना पड़ेगा। रिपेयरिंग हो जाता है, छोटा मोटा काम रहता है तो रिपेयरिंग हो जाता है, लेकिन बड़ा काम है इसमें, क्योंकि ना तो इसमें भी लाइट आ रही, ना इसमें भी लाइट आ रही। रिपेयर हो जाएगा, लेकिन रिपेयर करने से अच्छा सस्ती तो आ रही है, 3-3.5 हज़ार की आ रही है, तो पूरा नया डालना ही बेटर रहेगा। तो इसकी वजह से हम इसमें नया डाल देंगे। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया है, हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको दिखाया है सब लाइव करके, अगर ये सब वीडियो से आप, इस टाइप के वीडियो से आप अगर इंटरेस्टेड हो, तो आप मेरे को लाइक कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल में नए हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।